नमस्कार। आज हम दाल पकवान बनाएंगे। इसके लिए ये मैंने 200 ग्राम चने की दाल ली है। इसको 2 घंटे पहले भिगो दिया था। एक टमाटर काट कर लिया है, एक प्याज काट कर लिया है, हरी धनिया और ये अदरक है इसको काट लिया है महीन महीन, और ये है हरी मिर्च। मसालों में हल्दी, अमचूर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, गरम मसाला और ये नमक और ये हींग। सबसे पहले हम दाल को उबलने रखेंगे। कुकर लेंगे, उसमें हम ये 1 गिलास पानी डालेंगे। इसमें ये हम दाल को डाल देंगे। देखिए दाल मैंने कुकर में डाल ली है। इसमें हम ये 1/2 गिलास पानी और डालेंगे। 1.5 गिलास पानी मैंने इसमें डाला। नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और ये थोड़ी सी हल्दी, 1/4 चम्मच हल्दी डाली है। हम इसको उबलने के लिए रख देंगे। ये दाल को उबलने के लिए रख दिया है। 1 सीटी आने तक हम इसको उबालेंगे धीमी आंच पर। और अब हम पकवान बनाने के लिए ये हमने मैदा ली है और इसमें ये देखिए ये हम अजवाइन डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक डालेंगे, ये 2 चम्मच घी डालेंगे। अच्छी तरह से इसको मिलाएंगे। मौन हमने अच्छी तरह से घी को अच्छी तरह से मैदा में मिला लिया है। और हम आटा लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी करके 1 कड़ा 2 लगाएंगे। देखिए मैदा मड़के हमारी तैयार हो गई है और इसको हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। दाल हमारी बन गई है। 1 सीटी आ चुकी है। हम गैस से उतार लेंगे इसको और ठंडा होने देंगे और मसाला हम इसका तैयार करेंगे। देखिए इसमें हमने 2 चम्मच तेल डाला है और मसाले डालेंगे। अब हम गर्म हो जाएगा तब। देखिए तेल हमारा गरम हो गया है, उसमें जीरा डालेंगे। और ये प्याज डाल देंगे। गुलाबी होने तक हमको भूनना है। देखिए हरी मिर्च, अदरक ये डाल देंगे इसमें। धनिया पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च, हल्दी, इसको हमको भूनना है। मसाले भून जाए और हमारा प्याज भी थोड़ा भुन जाएगा। गुलाबी होने तक भून लें इसको। और हम इसमें टमाटर डालेंगे। नमक डालेंगे थोड़ा सा, क्योंकि दाल में हम नमक डाल चुके हैं, इसलिए इसमें हमें थोड़ा डालना है। और इसको आँच धीमी कर देंगे और इसको टमाटर गलने तक हम पकाएंगे। तो मसाला चढ़ करेंगे। देखिए हमारे टमाटर भून के तैयार हो गए हैं। और इसमें थोड़ी हींग डालेंगे। इसको भूनना है
और हमारी दाल बनके तैयार हो गई है। तो हम इसमें दाल डाल देंगे। ये देखिए बिल्कुल बनके तैयार है। और अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। अमचूर डालेंगे थोड़ा, इसको अच्छी तरह से मिलाएंगे। ये देखिए, और अब इसमें हम ये धनिया डाल देंगे। देखिए हमारी दाल बनकर के तैयार हो गई है। देखिए अब हम इसको उतार लेंगे और पकवान बनाना शुरू करेंगे। देखिए 10-15 मिनट हो गए हैं, अब हम पकवान बनाना शुरू करेंगे। लोई काटेंगे पहले। इस तरह से इसको हमें पतला बेल लेना है बिल्कुल। इस तरह से हमने बेल के तैयार कर ली और इसको हम फोक से कर लेंगे जिससे कि ये फूले नहीं। फूल कर लेंगे इसमें इस तरह से। और इसी तरह से हम सब बेल करके तैयार कर लेंगे। देखिए सभी पकवान मैंने बेल के तैयार कर लिए हैं, अब हम इनको सेकेंगे। हमारी गर्म है और हम इसमें ये पकवान सेकेंगे। थोड़ी नीचे सिक जाएगी तब हम इसको पलटेंगे इस तरह से। देखिए हमारे सिक्के तैयार हो गई है। हमें मीडियम आंच पर ही सेंकनी है इसको। ये देखिए गुलाबी होने तक इसको सेकना है और इसी तरह से हम और डालेंगे। देखिए हमारे सभी पकवान सिक्के तैयार हो गए हैं, अब हम प्लेटिंग करेंगे। दाल को परसेंगे इसमें। ये देखिए इस तरह से, और इसमें ऊपर से ये अदरक के लच्छे डालेंगे और थोड़ी सी धनिया से गार्निश करेंगे। और ये देखिए हमारे देखिए मैंने इसको सर्व कर लिया है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बने हैं। आप भी बनाइए और कमेंट करिए कि आपको कैसे लगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब। और उसके लिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।